एक बार फिर हाजिर हूँ एक खुशखबरी के साथ और एक धमाकेदार खबर के साथ। तो भैया इस बार खुशखबरी भारतीय हॉकी टीम की तरफ से है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच छोड़ दें तो टोक्यो ओलंपिक में भारत के हॉकी टीम ने अब तक का शानदार प्रदर्शन दिखाया है। 4 में से 3 मैच जीतकर टीम ने क्वार्टर फाइनल में जगह सुनिश्चित कर ली है। मनप्रीत सिंह की अगुवाई में टीम ने ग्रुप ए के 4थे मैच में गुरुवार को मौजूदा ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना को 3-1 से हरा दिया। मैच में जीत के बाद कप्तान मनप्रीत सिंह ने क्या कुछ कहा ये आप जान लीजिए। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार टीम के लिए एक वेकअप कॉल थी। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद मनप्रीत सिंह ने कहा कि टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ है, कल जापान के खिलाफ हमारा मैच है और अभी बहुत कुछ बाकी है। हम इस बारे में नहीं सोचेंगे कि कल हमने ओलंपिक चैंपियन को कैसे हराया। हम सभी ने अच्छा खेला और पहले 3 क्वार्टर में अपना दबदबा बनाया, लेकिन फिर भी हमने मौके गंवाए। हमारे डिफेंस ने अच्छा किया और हम इसे टूर्नामेंट में आगे भी जारी रखेंगे और कल के मैच पर पूरा फोकस और ध्यान देंगे। जिसके बाद उन्होंने बराबरी की टक्कर और आने वाले मुश्किलों के बारे में बताया। टीम इंडिया का अगला मैच मेजबान जापान से शुक्रवार को भारतीय समय के अनुसार 2:03 से खेला जाएगा। आज अर्जेंटीना के खिलाफ मैच की बात करें तो भारत ने मैच की शुरुआत अच्छी की और डिफेंडरों ने पिछले चैंपियन को मिडफील्ड में लय का मौका नहीं दिया। मनप्रीत सिंह के पास फर्स्ट क्वार्टर में भारत के लिए गोल करने का एक अच्छा मौका था, लेकिन अर्जेंटीना के गोलकीपर ने बहुत अच्छा बचाव किया। पहले 2 क्वार्टर में गोल ना होने के बाद भारत के लिए 43वें मिनट में वरुण कुमार ने गोल किया। इसके बाद विवेक सागर प्रसाद और हनप्रीत सिंह ने मैच के अंतिम मिनटों में गोल करके मुकाबला जीत लिया। अर्जेंटीना के लिए एकमात्र गोल 48वें मिनट में स्कूथ कासेल ने किया था। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और भारतीय हॉकी टीम के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए मुझे यानी अभिषेक सिन्हा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।